दुनिया के अंदर कब्ज से परेशान हर दूसरा व्यक्ति है। मैं तो ये कहता हूं 95% से लेकर के 98% लोगों को कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। तो आज इसका हम समाधान करेंगे, योग द्वारा इसका उपचार करेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आती रहेंगी। और बेल आइकॉन जो घंटा होता है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से भी आप हमसे जुड़ सकते हो। और करना क्या है, सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो तो निराहार यानी बासी मुंह अब बिना ब्रश किए बिना कुल्ला किए आपको पानी पीना है। 2 गिलास से लेकर के 3 गिलास 4 गिलास पानी तक आप सुबह सुबह उठ करके पी सकते हो। पीना किस आसन में है, जिस आसन में मैं बैठा हूं ऐसे आपको बैठना है, एड़ी आपकी नीचे और आपके ये घुटने दोनों पेट को ऐसे दबाएंगे और 1 गिलास धीरे धीरे, दूसरा गिलास धीरे धीरे, तीसरा गिलास धीरे धीरे, जितना आप पानी पी सकते हो। शुरू शुरू में आपको जैसे 1 गिलास आप पानी पियोगे वॉमिट टाइप की भी लग सकती है या उल्टी पानी वापस आ रहा, निकाल दो, उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका स्टमक की सफाई हो जाएगी। फिर आप कोशिश करो आप उसमें नींबू पानी भी आप कभी कभी पी सकते हो, गुनगुने पानी में ताजा पानी भी आप गर्मियों में आप पी सकते हो, सर्दियों में आपको गुनगुना पानी पीना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर आपको 3 आसनों का समावेश अपने जीवन में लेकर के आना है। सुबह उठते के साथ ही इस क्रिया को यदि आपने कर लिया तो आपका कब्ज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जिनको जो कब्ज के लिए चूरन चटनी पेट सफा करने के दुनिया भर की टैबलेट आप लेते हो ना, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वो आपके आंतों के स्लाइवा को हटा देती हैं, आंत खुश्क पड़ जाती हैं, आंत आपकी सूख जाती हैं और फिर उनके आप बिना उसके आप पेट को साफ नहीं कर सकते। आप अपने खाने में ड्रैगन फ्रूट का आप प्रयोग करिए, केले का आप सुबह सुबह प्रयोग करिए, खाली यदि आप केला खाते हो तो वो भी आपके पेट को साफ करता है। पपीते का आपको शाम को सेवन करना है पेट को साफ करने के लिए, पाइनएप्पल का आप सेवन कर सकते हो पेट को साफ करने के लिए। पानी आप अधिक से अधिक मात्रा में पूरे दिन में पीजिए, यदि आपका पानी के कारण आपका पेट गड़बड़ रहता है तो पानी को उबाल करके छान करके आप पीना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, 3 आसनों का अभ्यास करना है। पहले आसन का अभ्यास आपको करना है ताड़ासन का। ताड़ासन में क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर के सर के ऊपर रख लें और एड़ी को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे पूरा ऊपर की ओर खींच लें और फिर पूरी की बॉडी को ऊपर की ओर खींचें, काफ को स्ट्रेच करें, नीज को स्ट्रेच करें, थाइज को स्ट्रेच करें, स्टमक चेस्ट हैंड्स और पूरा ऊपर की ओर खींच दें। इससे बच्चों की लंबाई भी बढ़ेगी। सुबह सुबह उठ करके आप इन आसनों का अभ्यास करते हो तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी भी आएगी, प्राण का संचार होगा, आलस्य दूर भाग जाएगा। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर डाउन करें। इस आसन को आपको कम से कम 10 से 15 बार आपको सुबह उठ करके करना है। दोनों हाथों को पूरी तरह से सांस भरते हुए, हथेलियों को ऊपर की ओर पलटते हुए पूरा स्ट्रेच कर दीजिए, फिर सांस छोड़ करके नीचे। इसको आपको 10 से 15 बार करना है। दूसरे आसन में आपको पैर को साइड में ऐसे खोल लेना है, इसको बोलते हैं त्रियक ताड़ासन। इसमें भी आपको दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, सांस भर के ऊपर की ओर खींचिए, एड़ी इसमें नहीं उठेंगी। फिर सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन करना ऐसे, ये साइड के फैट को भी कम करेगा और आपने जो पानी पिया है जो स्टमक में गया है वो साइड से आंतों की ओर भी जाएगा। फिर दूसरी साइड, तीसरी साइड और फोर, ये 4 बार मैंने किया, अच्छी तरह से आपको करना है। लेग सीधी रहेंगी इसमें, ये भी आपको 10 टाइम्स और फिर नियमित के अभ्यास से 10-10 बार दोनों साइड में आपको करना है। इसके बाद तीसरा आसन का अभ्यास होता है कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, सांस को छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं ऐसे, फिर सांस को, मैं थोड़ा सा आगे होकर के दिखा देता हूं इसको, सांस को भरिए, सांस छोड़िए पीछे, ये इसको भी आपको 10-10 बार से लेकर के 20-20 बार तक इसका अभ्यास करना है। ये क्या करता है, जैसे आप कपड़े को निचोड़ते हो तो पानी नीचे की ओर जाता है, तो ये आसन भी वही करता है। जैसे आप पेट को ऐसे निचोड़ते हो, ट्विस्ट करते हो, तो उससे मल आपका पानी के प्रेशर से रेक्टम की ओर चला जाएगा, आपका कब्ज दूर हो जाएगा। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या के कारण, कब्ज के कारण एसिडिटी गैस बनेगी और फिर आपके अंदर 80 प्रकार के रोग अकेली कब्ज के कारण आ जाएंगे। खाने को आप चबा चबा करके खाइए। और इसी तरीके की आप वीडियोज देखना चाहते हो, मोटापा कम करने के लिए आप डाइट प्लान लेना चाहते हो, या आप घुटने के दर्द की वीडियो देखना चाहते हो, कमर दर्द की वीडियोस देखना चाहते हो, तो इस चैनल के ऊपर आप जरूर विजिट करिए, इस पेज के ऊपर आप जरूर विजिट करिए। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, बने रहिए, इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बस सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।